दोस्तों, आज का स्मैकडाउन एज एक्सपेक्टेड था, यानी कि जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा रहेगा, ठीक वैसा स्मैकडाउन का इस एपिसोड में देखने को मिला। यहाँ पर हमने द ब्लडलाइन का अराइवल देखा और साथ ही यहाँ पर जे उसो ने जिमी उसो से समरस्लैम में दिए गए धोखे के बारे में जानना चाह। साथ ही जिमी उसो ने अपनी तरफ से भी सफाई पेश की, लेकिन जे उसो उनके साथ एग्री नहीं हो पाए और इसी के चलते जे उसो ने रोमन रेंस और जिमी उसो दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। यहाँ पर सबसे पहले ब्लड लाइन आती है रोमन रेंस, सोलो सिकोवा और पॉल हेमन। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि जिमी उसो कहाँ पर रह गए हैं, और इसके बाद जिमी उसो है वो रिंग के अंदर आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पूरा WWE यूनिवर्स जिमी उसो के लिए कह रहा है कि तुम बिक चुके हो। इसके बाद रोमन रेंस जिमी उसो से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्या एक नई गाड़ी चाहते हो या फिर एक नए याच, और ये सब तुमको मिल जाएगा। इसके बाद जिमी उसो रोमन रेंस से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैंने इस ट्राइबल चीफ के लिए जे उसो को धोखा दिया है। इसके बाद जे उसो है वो रिंग में आते हैं और जिमी उसो से पूछते हैं कि आखिर समझले में उन्होंने किस कारण के लिए उन्हें धोखा दिया। इसके बाद जिमी उसो कहते हैं कि मैंने द उसोज और अपने लिए तुम्हें धोखा दिया था, क्योंकि अगर तुम रोमन रेंस के खिलाफ ये ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला जीत जाते और WWE की यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाते तो द उसोज के रूप में जो हमारी जोड़ी है वो टूट जाती, और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए रोमन रेंस के खिलाफ तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें मैच को हारने के लिए मजबूर किया। लेकिन जे उसो इसे सहमत नजर नहीं आते हैं और रोमन रेंस को वे एक शानदार सुपर किक देते हैं, और इसके बाद रोमन रेंस वापस अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से सुपर किक जे उसो के आते उन्हें खानी पड़ती है। इसके बाद जिमी उसो रिंग से बाहर जाते हैं, तभी जे उसो उन्हें पीछे से आवाज देकर वापस बुलाते हैं। जिमी उसो खुशी खुशी वापस आते हैं, लेकिन जे उसो तभी उन पर अटैक कर देते हैं और एक शानदार सुपर किक दे देते हैं, और इसके चलते जिमी उसो WWE के रैंप पर पड़े हुए नजर आते हैं। इसके बाद जे उसो ऑन कैमरा कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन से बाहर हो चुका हूँ, स्मैकडाउन से भी बाहर हो चुका हूँ और मैं WWE को भी छोड़ चुका हूँ। यानी कि जे उसो ने कुछ इस तरह से हिंट दिया है कि वे WWE को छोड़ने वाले हैं, और इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या जे उसो वाकई में WWE को छोड़कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।